हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश और स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी फिल्म रिव्यू में। आज का वीडियो कुछ स्पेशल वीडियो है क्योंकि मैं आज एक फिल्म नहीं दो दो फिल्मों का ट्रेलर का रिव्यू बताऊंगा और बताऊंगा इन दो फिल्मों की समानताओं के बारे में। तो जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो अंत तक। ये दो फिल्में हैं मॉम और मात्र। तो पहले बात करते हैं मॉम की। मॉम को डायरेक्ट किया है रवि उद्यान ने और इसके मुख्य कलाकार है श्रीदेवी, अक्षय खन्ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। श्रीदेवी पिछली बार इंग्लिश विंग्लिश में 2012 में नजर आई थी। ट्रेलर को देख के लग रहा है कि ये फिल्म एक माँ की कहानी है जो अपनी बच्ची, खोई हुई बच्ची को ढूंढने निकलती है और इस दौरान कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कई सारे चैलेंजेस आते हैं। यही सब इस फिल्म में दिखाया गया है। अक्षय खन्ना का जो रोल है नेगेटिव साइड में है या पॉजिटिव साइड में है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अक्षय खन्ना जो है नेगेटिव रोल में काफी पसंद किए जाते हैं और इसीलिए उनका दमदार रोल भी होना स्वाभाविक है। फिल्म को म्यूजिक दिया है AR रहमान ने और इसकी रिलीज डेट है 14 जुलाई 2017। अब बात करते हैं मात्र की। मात्र को डायरेक्ट किया है अस्तर सईद ने और इसमें मुख्य भूमिका में है रवीना टंडन। रवीना टंडन 2015 में लास्ट टाइम नजर आई थी जब उनकी फिल्म दो चेहरे रिलीज हुई थी। हालांकि ये फिल्म कब आई कब गई किसी को अता पता नहीं चला, शायद आपको भी पता ही नहीं चला होगा। ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म की कहानी भी माँ के संघर्ष पर आधारित कहानी है। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली में निर्भया केस हुआ था और इसमें रवीना टंडन जो है पीड़ित लड़की की माँ का रोल की है और जो बदला लेती है अपनी बेटी और खुद पर हुए अन्याय का। हालांकि ये सोशल इशू पर मूवी है और इस टाइप की मूवीज जनरली बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाती है। अब फाइनली बात करते हैं दोनों फिल्मों की सिमिलैरिटीज के बारे में। सबसे पहली सिमिलैरिटी है इस फिल्म का टाइटल। जैसे कि आप जानते हैं मॉम और मात्र दोनों का मतलब माँ होता है, तो ये सबसे पहली सिमिलैरिटी है। सेकंड सिमिलैरिटी ये है कि दोनों फिल्मों के डायरेक्टर की ये पहली कॉमर्शियल मूवी है। थर्ड, दोनों ही मूवी वुमेन सेंट्रिक मूवी है। फोर्थ, दोनों ही मूवी में जो लीड रोल पे हैं वो दोनों ही सुपरस्टार रह चुके हैं अपने जमाने के। जैसे कि आप जानते हैं रवीना टंडन और श्रीदेवी अपने जमाने के सुपरस्टार रह चुकी हैं। फिफ्थ, दोनों ही मूवी थ्रिलर मूवी है, दोनों में एक्शन है, ड्रामा है, बदला है। सिक्स, जैसे कि मात्र में जो है जो म्यूजिक दिया है गया है वो पाकिस्तानी कलाकारों द्वारा दिया गया है, उसी तरह मॉम में दो एक्टर्स जो है वो पाकिस्तान के हैं। सेवंथ, दोनों ही फिल्मों की कहानी एक संघर्ष की कहानी है, माँ के संघर्ष की कहानी है। तो ये था दोस्तों दोनों फिल्मों की सिमिलैरिटीज के बारे में। अब ये तो रिलीज होने पर पता चल पाएगा कि कौन माँ अपने संघर्ष में जीत पाती है, कौन नहीं जीत पाती है बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के हिसाब से। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तो इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।